अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ उज़ैर अली एंड यू आर वाचिंग उज़ैर मलिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, आपने यूएसबी बूटेबल कैसे बनानी है विंडोज़ के लिए। मतलब कि आपने विंडोज़ जब करनी होती हैं तो उसके लिए आप यूएसबी के ज़रिए से जब आप विंडो करते हैं तो उसके लिए आपको बूटेबल बनाना पड़ता है, और उसके लिए आपको विंडोज़ की आईएसओ इमेज चाहिए होती है। आईएसओ इमेज जो है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ से आपने लेनी है। तकरीबन मैक्सिमम 4 GB की होगी वो, लेकिन यह कि एक्टिवेटेड होगी। अब जैसे कि मैं अभी आपको बताता चलूं, यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिखा आ रहा है विंडोज इज एक्टिवेटेड। तो दोस्तों, ये अक्सर जब आप DVD से करते हैं तो वहाँ पे नहीं दिखाता, वो एक्टिवेटेड नहीं होती, वो इंतहाई थर्ड लेवल की कॉपी होती है विंडो की। ये वाली विंडो थोड़ी सी अच्छी होगी उसकी निस्बत। तो दोस्तों, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है, ये वाला लिंक है, ये मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और दूसरी बात ये आ जाती है कि किस तरह आपने इसे बूटेबल बनाना है। यूएसबी आपने सबसे पहले आपने रफस लिखना है, यहाँ पर रफस लिखेंगे तो ये रफस की ऑफिशियल साइट आ रही है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड के लिए आ जाएगा। तो गाइज, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले आपने यूएसबी कनेक्ट कर देनी है। यूएसबी कनेक्ट करेंगे, ये देखें 32 GB की फाइल आप यहाँ पे शो कर रहा है आपको, और हमें ये आईएसओ इमेज चाहिए तो हम सबसे पहले इसे आईएसओ इमेज भी ले लेते हैं। हमने पहले ही मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, इस वजह से मैं यहाँ से डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ISO इमेज, ये मैं ISO इमेज लगा रहा हूं। और दोस्तों, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, MBR और GPT। इसके लिए आप मैनेजमेंट में जाएंगे, मैनेजमेंट के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, आपने डिस्क पे जाना है, डिस्क हमारी GPT है। तो जो आप जिसमें आपने ये इंस्टॉल करनी है, जिस हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करनी है, उसके लिए लाजमी है कि उसका आपको पता हो कि वो MBR में है या GPT में है। तो दोस्तों, मेरी GPT में है तो मैं GPT में ही इंस्टॉल करने वाला हूँ इसे। तो ठीक है जी, हम यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली है फाइल अपनी, तो ये देखें जी, GPT मैंने रख दिया है। USB MBR ज़रूर है, लेकिन हमारी हार्ड ड्राइव GPT की है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इसे अब इस प्रोसीजर को स्टार्ट करूँगा, इस प्रोसेस को। तो दोस्तों, जब ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लेगा ये आपकी ये विंडोज़ को बूटेबल करने के लिए। तो मैंने आपको यही बताया है कि आपने किस तरह विंडोज़ एक्टिवेटेड विंडोज़ को डाउनलोड करना है और फिर उसको क्रैक कैसे करना है। अगर आप विंडोज़ 10 आपको अच्छी लगे, अगर आप विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, इसके बारे में कोई एक्टिवेशन वाला मेथड चाहते हैं, तो उसका कोई एक्टिवेटेड वर्जन चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं अपने यूज़र नेम ट्विटर और इंस्टाग्राम के, और कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो गाइज, आप देख सकते हैं हमारी USB इस वक्त बूटेबल बन चुकी है। जिस PC में जाके मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ, ये अब ये बूटेबल बन चुकी है। तो गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।